हेलो गाइस, तो आज का ये हमारा न्यू वीडियो है जिसके अंदर हमें स्टडी करना है हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी के अंदर। जो हमने थर्ड फैक्टर हमारा रह गया था, जो इसका नाम था साइकोलॉजिकल टाइप, तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, ये तो 2 मिनट का ही वीडियो है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लो। साइकोलॉजी साइकोलॉजी यानी कि आपका इंडिविजुअली, मतलब कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है, कोई और चीज़ इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। इसके अंदर आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंसी कि आप कितना सोच पाते हो। नेक्स्ट है मोटिवेट, मोटिवेट आप सेल्फ मोटिवेट कितना रहते हो। नेक्स्ट है रीजनिंग, आपकी जो सोचने समझने की कैपेसिटी है वो कितना ज़्यादा, आपका किसी भी चीज़ में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कितना ज़्यादा अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हो। और टेम्परामेंट्स, ठीक है, टेम्परामेंट्स में आपके इमोशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग्स, फीलिंग्स भी आपके इमोशंस। टेम्परामेंट यहाँ पे मतलब है आपके गुस्से से, आपके एग्रेसिव बिहेवियर से, ठीक है। नेक्स्ट था आपका फीलिंग, उसके बाद है कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी पर्सनैलिटी को, कि आप किस चीज़ों को कितना ज़्यादा कैच कर लेते हो और याद रख पाते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स आज की वीडियो में। ये तीनों फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट था हमारा हेरिडिटी फैक्टर, नेक्स्ट था एनवायरनमेंट, और थर्ड था साइकोलॉजिकल, जो कि आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी को, जो कि बहुत ईजी है। तो फिर जो हमारा पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है थोड़ा सा रह जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।